आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। वलक्ष्मी व्रत कथा, वरलक्ष्मी व्रत कथा इन हिंदी। मगध के राज्य में कुंडी नाम का एक नगर था। कहा जाता है कि कुंडी नगर रावण की सोने की लंका की ही तरह सोने से बना हुआ था। इसी नगर में चारुंती नाम की ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और पूरे लगन से अपने पति व सास ससुर की सेवा भी करती था। एक रात जब चारुंती सो रही थी तो उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुंती से कहा, मैं वलक्ष्मी हूँ, जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सावन के महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी करवाओगी तो उन्हें भी इसका शुभ फल मिलेगा। सुबह होने पर चारुंती ने सपने वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। उन लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि सपने की बातें सच होती हैं। इसलिए उसे सपने के अनुसार सावन माह के आखिरी शुक्रवार को माँ वलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर की अन्य महिलाओं से भी यह व्रत कराने की सलाह दी। इसके बाद सावन का महीने आने पर आखिरी शुक्रवार को चारुंती के साथ नगर की अन्य महिलाओं ने भी माँ वलक्ष्मी का व्रत रखा और उनका पूजन पाठ किया। उस शुक्रवार के दिन चारुंती के साथ सभी महिलाओं ने सुबह उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मंडप सजाकर उसमें भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की वरमुद्रा में मूर्ति रखी और कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। पूजा के आखिरी में सभी महिलाएं जब उस मंडप की परिक्रमा करने लगी तो अचानक सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सज गया। इस तरह ये पूजन करके सभी महिलाओं को धन संपत्ति मिली। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसे गाय, घोड़े, हाथी आदि से भर गया। माँ वलक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया। तभी से नगर के सभी लोग चारुंती की प्रशंसा करने लगे और माँ श्री वलक्ष्मी की हर सावन माह के आखिरी शुक्रवार को पूजन करने लगे। कहानी से सीख, पूरे विधि विधान से की जाने वाली पूजा का परिणाम अच्छा ही मिलता है।